नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेश सिंह और आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आए हैं जो हम गोरखपुर से प्रयागराज। तो प्रयागराज हम कैसे जाएं, कहां रुकें, क्या करें, इन सारी जानकारी वीडियो में आपको हम देंगे। आप हमारे वीडियो पर लगातार बने रहिए और शुरू से लास्ट तक देखिए, आपको प्रयागराज जाने में कोई समस्या नहीं आएगी। तो आइए चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं। तो हमारा ये गोलघर से स्टार्ट हो रहा है, गोरखपुर गोलघर, ये गोलघर की सड़क है और यहाँ से हम आगे चलेंगे और आपको ले चलेंगे प्रयागराज तक। अब हम इस समय ट्रांसपोर्ट नगर यानी गोरखपुर लखनऊ मार्ग पर हैं और आपको हम दिखाएंगे, बताएंगे उन जगहों का नाम जहां से आपको जाने में आसानी हो। तो ये राजघाट पुल आने वाला है, ये राजघाट पुल है गोरखपुर की बड़ी पुल है, या राप्ती नदी के तट पर यह स्थित है। इस पुल के चारों तरफ ये जो है तार बांध दी गई हैं आए दिन घटनाओं को देखते हुए, और बहुत ही शानदार पुल। अब इस पुल से हम आगे बढ़ेंगे नौसड़ चौराहे की तरफ। नौसड़ चौराहे से आपको दो मार्ग मिलेगा, एक गोरखपुर बनारस वाया इलाहाबाद और दूसरा गोरखपुर बस्ती से भी आप जा सकते हैं, खलीलाबाद से भी जा सकते हैं और अयोध्या से भी जा सकते हैं बनारस के लिए। लेकिन हम जो रास्ता चुने हैं वह बिल्कुल नया रास्ता, और ये रास्ता आपको ले जाएंगे और दिखाएंगे और आपके समय की बचत, पैसे की बचत, ये सारी बचत इस रास्ते से होगी। तो हम आज आपको नए रास्ते पर ले चलेंगे वाया खजनी सिकरीगंज रोड। खजनी और सिकरीगंज रोड से यहाँ से हमें बाएं मुड़ना है, ये बाएं मुड़ के ये है खजनी रोड, और इस रोड से हम आपको ले चलेंगे इलाहाबाद यानी प्रयागराज। तो प्रयागराज आपको हम नए रूट से ले चलेंगे। इस रूट को आपको मैं मैप के जरिए बताता हूँ, देखिए इस मैप में कैसे जाना है। यह मैप है, इस मैप में आपको तीन लाइन दिखाई दे रही है। जो सबसे ऊपर लाइन है ब्लू लाइन, वह जो है ये वाया फैजाबाद से होके जाती है। जो नीचे की लाइन है वह देवरिया गाजीपुर होते हुए जाती है, और हम सबसे आपको बीच की लाइन से ले चलते हैं। जो ये बीच की लाइन है ये आपको गोरखपुर प्रयागराज पहुँचाएगी, जो ये वही रोड है सिकरीगंज, घजनी सिकरीगंज रोड। इस रोड से हम चलेंगे और आपको हम दिखाते हैं। अभी ये न्यू रोड है, अंडरग्राउंड बना है जाने के लिए, क्योंकि ऊपर से फोर लेन गई है तो फोर लेन के नीचे से हम पास करेंगे और आगे खजनी के लिए निकलेंगे। फिलहाल अभी तो जयपुर आएगा, सुबह का टाइम है, 10:30 का टाइम है और हम बिल्कुल नए रूट पर चल रहे हैं। इस रूट से अभी लोग काफ़ी कम लोग जाते हैं, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि वाकई इस रूट से हम कैसे जाएं। ये जयपुर चौराहा है, जयपुर चौराहा होते हुए ये हमारी ग्रैंड i10 कार है और हम आपको इस रूट की यात्रा इसी गाड़ी से कराएंगे और इस गाड़ी से देखते हैं कि हमें जाने में कितना आसानी है। ये आगे बढ़ेंगे, खजनी के लिए निकलेंगे हम, खजनी चौराहा। खजनी चौराहा से भी आपको दो रूट मिलेगा, एक मालहन पार धुरिया पार होते हुए रूट जाएगा, लेकिन हमें उस पर नहीं जाना है। हमें जाना है खजनी के मेन थाने से राइट टर्न लेना है, दाहिने साइड जो सिकरीगंज के लिए रूट जाती है, तो उस रूट से हम निकलेंगे। ये खजनी चौराहा, सुबह का टाइम है, भीड़ है अभी रोड पर। तो ये हमारे ये दो रूट हैं, देखिए एक रूट सामने से जो जा रही है, हमें इस राइट रूट से टर्न होना है। ये थाना है बगल में और यहाँ से हम आगे के लिए निकलेंगे। अब खजनी से हम निकलेंगे
सिकरीगंज के लिए। और ये देखिए अभी आप यहाँ पर ये लिंक एक्सप्रेसवे रूट का निर्माण कार्य चल रहा है जो बगल से निकली है, ये बन जाने से काफ़ी आसान हो जाएगा अगला सफ़र। ये जो लिंक एक्सप्रेसवे है ये गोरखपुर से प्रयागराज के लिए बनाई जा रही है, जो जाकर के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में मिल जाएगी। और ये रूट देखिए अभी हम आगे चल रहे हैं सिकरीगंज, और सिकरीगंज से आपको मिलेगा बेलघाट रोड। बेलघाट से हमें आगे निकलना है, इस रूट से चलेंगे। इस रूट पर देखिए काफ़ी अच्छा व्यू है, खेत हैं और शांत जगह भी है, ग्रीनरी अच्छी है इस रूट पर, क्योंकि अभी इसमें गेहूँ की फसल की बुआई हुई है। और देखिए, और ये भी है फायदा है कि इस रूट पर चलने में ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, क्योंकि ये लोकल रूट है और इस रूट पर आप आसानी से आराम से जा सकते हैं। और आगे बढ़ेंगे, एक और अंडरपास मिला भी, ये भी एक्सप्रेसवे ही है, और इस अंडरपास से हमें आगे निकलना है। अभी इसका निर्माण कार्य चल रहा है इस एक्सप्रेसवे का। काफ़ी बड़ा एक्सप्रेसवे लग रही है, अभी अभी धूल ज़्यादा इधर है थोड़ी सी है। इसके बाद से रूट पे आ गए और हमें जाना है कमरिया घाट पुल से, क्योंकि आने वाली जो प्लेस है जानकारी वो है कमरिया घाट पुल। यह वही पुल है जिसकी काफ़ी दिनों से प्रतीक्षा थी और ये जाके अब बनकर ये तैयार हुआ है 2022 में, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। और यह वही पुल है जिस पुल के बनने से आपकी गोरखपुर से प्रयागराज की दूरी लगभग 40 किलोमीटर का अंतर आ गया, 40 किलोमीटर की दूरी कम हो गई इस रूट से बनने से, और इससे हर प्रकार के वाहन आ जा सकते हैं। देखिए ये लिंक एक्सप्रेसवे के लिए पुल का निर्माण कार्य चल रहा है, जो बगल में ही है उसके बगल से ये लिंक एक्सप्रेसवे जाएगी। और ये हमारी गाड़ी ग्रैंड i10, और यहाँ का काफ़ी अच्छा व्यू है। देखिए बालू उत्खनन भी यहाँ पे हो रही है और काफ़ी लंबा चौड़ा क्षेत्र है, ऊसर भूमि है, और ये जो है नदी सरयू नदी, ये सरयू नदी के तट पर बनाई गई है। और इस पुल की एक खासियत है, यह पुल आगे चलकर थोड़ी हाइट में जाती है, क्योंकि इससे लगता है कि इस पुल को ऐसा बनाया गया है कि आने वाले भविष्य में कि इसके नीचे से अगर कोई जहाज़ छोटी सी जहाज अगर जाए पानी जहाज़ तो कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल देखिए हाइट में ले रहे, बिल्कुल ऊपर चढ़ रही है पुल पे ही, और फिर उसके बाद से ये जो है नीचे की तरफ जाएगी। काफ़ी अच्छा पुल है, लंबा पुल है, सरयू नदी के तट पर बनाई गई है और पुल का शुभारम्भ हो चुका है। थोड़ी सी हल्की सी रूट ख़राब है यहाँ, और इस रूट से आगे बढ़ेंगे, ये चौक है, जैसे ही पुल से उतरेंगे तुरंत पहला चौराहा आपको मिलेगा। इस चौराहे से हमें राइट टर्न होना है, इस चौराहे से हमें राइट टर्न होना है। थोड़ी सी रूट पतली ज़रूर है, लेकिन देखें बस भी इस रूट से आ रही हैं जा रही हैं, ट्रक भी आ रहे हैं जा रहे हैं। और आगे निकल रहे हैं, खाली रूट है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बिजी रूट है जिसमें हमें चलने में कोई दिक्कत हो। और यहाँ से दूसरी जो चौराहा पड़ा, यहाँ से भी हमें राइट टर्न ही लेना है। राइट टर्न लेकर आगे बढ़ेंगे। ये राजेश सुल्तानपुर मार्ग है और यहाँ से हमें राइट टर्न यहाँ से भी लेना है, राइट टर्न लेकर के आगे बढ़ेंगे। और इस रूट पर बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है, हम आसानी से चल सकते हैं।
ये नेबुआ डी 18 चौराहा है जहाँ से हमें लेफ्ट होना है आगे के लिए, और ये रूट अब बिल्कुल सीधे हम जाएंगे। बहुत भीड़ भाड़ नहीं है। नेबुआ डी 18 से आगे बढ़ेंगे तो बुढ़नपुर आजमगढ़ का क्षेत्र है। यह बुढ़नपुर आजमगढ़ के क्षेत्र से हम आगे निकलेंगे। देखिए बहुत अच्छा व्यू है, यह एक शांत जगह भी है और बहुत ही अच्छा व्यू भी है। इस रूट की एक बहुत बड़ी खासियत है कि इस रूट पर गोरखपुर से लेकर प्रयागराज तक आपको कहीं भी टोल प्लाजा नहीं मिलेगा। अगर जो हम गोरखपुर से वाया बस्ती और फैजाबाद होकर जा रहे हैं तो 4 टोल प्लाजा है, लेकिन आपको इस रूट पर एक भी टोल प्लाजा नहीं है। तो टोल प्लाजा की जो आपकी पैसे हैं वो बचत हुई, तो इस नाते ये बहुत ही शानदार है कि हमारे जो है टोल प्लाजा के पैसे नहीं लगेंगे और कोई बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं है। देखिए चौराहा है, इससे थोड़ी सी कहीं कहीं ऐसे कहीं कहीं जहाँ आपको कस्बा है तो थोड़ी सी वहाँ पर भीड़ मिलेगी। आपको 4 लेन से तो पेड़ पौधे नहीं मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर पेड़ पौधे हैं, हरियाली है, बहुत शानदार हरियाली है और एक चलने का अपना अलग मजा है। लेकिन देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, ये वही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है जो लखनऊ से गाजीपुर के लिए बनाई गई है। 6 लेन है और हम अब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अंडरपास से निकलेंगे आगे के लिए। काफ़ी बड़ा है ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से हम आगे निकल रहे हैं, और इसमें आप देखिए, एक तो आप समझ जाए होंगे कि इस पर बहुत भीड़ नहीं है, इस रूट पे आसानी से आप चल सकते हैं। और जो 1-2-4 गाड़ियां दिख भी रही हैं तो ये सब जो है इलाहाबाद स्नान की वजह से दिख रही हैं ज़्यादातर गाड़ियां, नहीं तो इस रूट पर चलना बहुत ही आसान है। ये थाना परिसर था और यहाँ पर हमने लंच किया है, और लंच करने के बाद अब हम फिर आगे की तरफ निकल रहे हैं, चलते हैं। चौराहा भी अच्छा है, ये चौक है, इस चौक से हमें सीधा निकलना है। ये जौनपुर में पड़ता है, ये जौनपुर बॉर्डर एरिया है, तो हमें इस चौक से भी सीधा ही निकलना है। इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप, इसके बाद हम अब बदलापुर चौराहे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये बदलापुर चौराहा है और हम यहाँ से आगे निकलेंगे बदलापुर चौराहा हो करके। तो ये बदलापुर है और बदलापुर ये गोल चक्कर से हमें बिल्कुल सीधा भी यहाँ से भी निकलना है, और शाम का वक्त है, अब लगभग 4 से ऊपर हो रहे हैं। लगे बदलापुर बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन बदलापुर एक अच्छा कस्बा है, और यहाँ से हम लोग अब निकलते हुए धीरे धीरे शाम ढल रही है। रोड खाली रूट है, कोई बिजी रूट नहीं है, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये पूरी वीडियो फुल देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम यश कंप्यूटर ट्रेवल्स है, आप यूट्यूब में आप इसको सर्च कर सकते हैं, यश स्पेस कंप्यूटर स्पेस ट्रेवल्स, आपको सबसे पहला ही मिलेगा। और देखिए काफ़ी लंबी थोड़ी सी जाम मिली यहाँ पर, लंबी जाम है, और इससे बाहर निकलते हुए अच्छी रूट है। इस वीडियो के बारे में आप अपना कमेंट आप लिखें और बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, क्योंकि ये वीडियो खासकर गोरखपुर से प्रयागराज जाने वालों के लिए मैंने बनाई, कम समय में सफ़र सुहाना हो, इस पर विदाउट टोल्स, कहीं टोल्स प्लाजा नहीं है, जिससे आपकी पैसे की बचत हो रही है, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, जाने में आसानी है,
तो आप इस पे कभी भी अगर प्रोग्राम बनाते हैं इलाहाबाद के लिए तो आप एक बार जा सकते हैं। हाँ, कुछ जगह रोडें थोड़ी बहुत ख़राब है, लेकिन सब मिलाकर रोड अच्छी है। ये सुजानगंज चौराहा है, ये जौनपुर में आता है। हमें आने के बाद यहाँ से राइट टर्न लेंगे और ये देखिए थाना परिसर है, यह बगल में ही थाना है, सुजानगंज थाना जौनपुर के बगल से आपको निकलना है। सुजानगंज अच्छा कस्बा है। ये कोई स्कूल है और कस्बा फूलपुर, फूलपुर से मैं आगे निकल रहे हैं। आज 20 जनवरी 2023 है और कल 21 मौनी अमावस्या नहाना है और हम अब पहुंच चुके हैं झूसी, और झूसी यानी प्रयागराज। तो हमारी ये वीडियो कैसी लगी आप इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और देखिए पुल का काफ़ी सुंदर नज़ारा, और इसके अगले वीडियो में हम आपको दिखाएंगे संगम नगरी का नहान। ये पुल गंगा नदी के तट पर बना हुआ है और हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है, और आपसे हम मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में। तो ये वीडियो कैसी लगी आप इसे कमेंट बॉक्स में बताएं, और हमारे चैनल यश कंप्यूटर ट्रेवल्स को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।